सम्मानित करने वाला नहीं, ये सम्मानित मन से आप सब सफाई मजदूरों का हमारे माता बहनों का अगर वो साथ होगा तो इसी मन से धन्यवाद चंद्रा बहन जी, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं आपकी विनम्र। और मैं जितने भी संगठन हैं उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्षों के नाम अनाउंस कर रहा हूँ ताकि सबको पता चल जाए कि हमारे कांग्रेस संगठन हमारे साथ में, हमारे साथ में राजेंद्र प्रसाद गद्दी जी का संगठन हमारे साथ में है, चरण सिंह कटेरा जी है, वीर सिंह जिगान जी है, लाली श्याम साहब जी है, संजय गहलोत जी है, मुकेश मैथ जी है, राजकुमार जिगान जी है, रामकुमार बिजान जी है, राजेश श्रीनिवास जी है, रंजीत धागर जी है, राजेश श्रीनिवास चिराग जी से है, प्रवीण सिंह जी है, जेपी साहब जी है, मोहन कामान जी है, सुभाष खेरालिया जी है, चेतन दास चावलिया जी है, सब समाज पावर जी है, संजीव चंदेल जी है। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के सिविक सेंटर पर जहां सफाई मजदूरों की इतनी बड़ी हड़ताल धरना है, प्रदर्शन यहां पर चल रहा है, देखिए सिविक सेंटर का 5 नंबर गेट जो है वो तोड़ने की बड़ी यहां पर कोशिश की जा रही है और हजारों की तादाद में जो है यहाँ सफाई मजदूर जो है वो इकट्ठा है और आज बड़े पैमाने पर जो है वो आंदोलन किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की डिमांड वही पुरानी डिमांड है कि इनको जो है स्थायी नहीं किया जा रहा और जो इनके एरियर बकाया एरियर है, कैशलेस कार्ड है, वो सभी जो है इनकी एक बड़ी पुरानी डिमांड है, वो जो है अभी तक जो है वो पक्के पूरी नहीं की गई है। तो उसको लेकर जो है सिविक सेंटर पर जो नगर निगम का जो बड़ा गेट है, 5 नंबर जो गेट है, उसको तोड़ने की यहाँ पर जो है कवायद की जा रही है। ये हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए सभी सफाई सैनिक जो है यहाँ पर इकट्ठा है, हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा है और 5 नंबर गेट जो सिविक सेंटर का 5 नंबर गेट है उसे तोड़ने की यहाँ पर कवायद बड़ी जो है जोरों शोरों से चल रही है और यहाँ बड़े बड़े नेता सभी है यहाँ मौजूद है। दिल्ली के जितने भी तमाम यूनियन संगठन है वो सभी एकत्रित होकर जो है वो यहाँ बड़े पैमाने पर आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने जो है वो अभी तक जो है सालों से जो 20 से लेकर 25 साल तक जो कच्चे कर्मचारी है उनको अभी तक जो है पक्का नहीं किया गया है और छुटमुट तरीके से जो है वो इनको लुभाने के लिए कभी 13 लोगों के ऑर्डर पकड़ाए जाते हैं हाथ में, कभी 20 लोगों के ऑर्डर पकड़ाए जा रहे हैं, मगर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है उनकी। जो यहाँ पर जो आक्रोशित जितने भी आप सफाई कर्मी देखेंगे सभी आक्रोशित है, हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है लोग और बीजेपी सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को यहाँ पर जो है कोसा जा रहा है और खरी खोटी जो है दोनों को सुनाई जा रही है। महिला शक्ति यहाँ पर देखिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर आई है, सफाई कर्मचारियाँ मौजूद है, ये सभी जो है देखिए इनकी उम्र देखिए ये बुजुर्ग हो चुके हैं मगर इनको जो अभी तक जो है पक्का नहीं किया गया है। एक आज सुबह ही एक कॉल आया कि उसकी बेटी की शादी है और उसने 5 महीने से जो है केशवपुरम जोन में जो है फाइल लगाई हुई है बेटी की शादी के लिए पैसा लेने के लिए, मगर उसकी जो फाइल पर जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है और कहा कि तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, जबकि वो पैसा उसी का जमा है और उसी को वो पैसा नहीं मिलेगा। ये है निगम की जो है नाकामी है और जो सफाई मजदूरों को जो गुमराह किया जाता है और जो उनको उनके अधिकारों को जो हनन जो यहाँ पर हो रहा है वो एक बड़े पैमाने पर हो रहा है
और दिल्ली नहीं पूरे भारत में सफाई कर्मचारियों को जो है वो ऐसे इग्नोर किया जाता है। शोषण बड़े बुरे तरीके से शोषण हो रहा है। ये देखा हम आपको दिखा सकते हैं 5 नंबर गेट पर जो सिविक सेंटर का 5 नंबर गेट है उस पर जो लोग सफाई कर्मी हैं वो बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जता रहे हैं। तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जितने भी तमाम जो दिल्ली के संगठन हैं, यूनियन संगठन है, मजदूर संगठन है, वो सभी एकत्रित होकर एक कसम पानी और नमक हाथ में लेकर जो है कसम ठा चुके हैं कि सफाई कर्मचारियों के साथ जो है अन्याय नहीं होने देंगे। अब उनकी जो है सुनवाई जो है वो करनी पड़ेगी, जो डिमांड है वो माननी पड़ेगी। सभी यहाँ पर जो है काले झंडे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और महिला शक्ति यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद है और सभी युवा बुजुर्ग। लेकिन सोचने की बात यह है, देखिए जवानी में लोग लगते हैं मगर उनको जो है बूढ़ा कर दिया जाता है, बुजुर्ग वो हो जाते हैं मगर पक्का नहीं किया जाता। तो ये सभी डिमांड लेकर यहाँ पर आए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे निगम के बारे में? सर निगम में जितना भ्रष्टाचार है उसमें किसी विभाग में नहीं है, क्योंकि 40-40, 45-45 साल कर्मचारियों के हो गए, पूरी अपनी ज़िंदगी इसकी सेवा में निवृत्त कर दिए, लेकिन आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया है जी। और उन्हें जो है आज 40, 50, 53 का जो सर्कुलर दिखा करके उनको हटाया जा रहा है। अब उनके बच्चे बीवी बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी शादियाँ काम करने की क्षमता जब ख़त्म होती है, एक बेचारा अभी मरा है जी, उसको कोई देखने वाला नहीं। वो आज एक हफ्ते से छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन इस विभाग ने उसे छुट्टी देने की नहीं दी और आज वो बेचारा एक्सपायर कर गया है रोड पे पड़ा हुआ। अब मतलब देखिए ये बिल्कुल ये सही कहना है इनका कि रोड पर जो है काम करते हैं और कुछ गाड़ियां टक्कर मार जाती है, कुछ नाले के अंदर गिर जाते हैं या उनके साथ हाथ से ऐसा हो जाता है, मगर जो है दरोगा इंस्पेक्टर और जो अधिकारी है वो उनसे कहते हैं कि सुबह दूसरे दिन काम पर आना है नहीं तो अब्सेंट आपकी लगेगी, जबकि ड्यूटी पर उसके साथ हादसा हुआ है और छुट्टी देने की बजाय उससे कहा जाता अगर नहीं आए तो तुम्हारे खिलाफ़ जो है कंप्लेंट की जाएगी और तुम्हारी अब्सेंट भी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर बड़ा देखिए हम आपको दिखाएंगे, देखिए कई बे मतलब जो ने दिल्ली नगर निगम ने हमारे मतलब जो जितने भी यूनियन के पदाधिकारी थे उनको आश्वासन दिया और कई बे ही मतलब हमारी भूख हड़ताल तोड़वाई और कई बे ही मतलब जो झूठ बोलकर हमारा धरना तोड़वाया गया, लेकिन दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने आज तक मजदूरों का हक नहीं दिया गया, इसलिए मजदूर मतलब जो काफ़ी रोष में है और रोष प्रकट करता है। आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे हम ये करना चाह करेंगे, अगर यदि हमारी मांग जल्दी से जल्दी न पूरी नहीं की तो यहाँ पर भूख हड़ताल होगी और काम बंद हड़ताल की जाएगी और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होएंगी जब तक हम यहाँ से मतलब हिलने वाले नहीं हैं। बिल्कुल देखिए यूनियन लीडर है और इनका कहना है कि बिल्कुल जब तक डिमांड नहीं पूरी होगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर वो बड़े ही अच्छे पैमाने पर जो है वो यहाँ जी तो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और संजीव जावा जी साथ में हैं। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे आज? सर ये कहना चाहूँगा कि आज कर्मचारी ने बड़ा रोष दिखाया है, अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया कोर कमेटी के द्वारा और मैं बैठी हुई सरकार जो है हमारी चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे निगम सरकार हो उनसे कहना चाहूँगा कि अब भी समय जाग जाइए कर्मचारी का अधिकारी के लिए, उन्हें जागना पड़ेगा वरना आने वाला इलेक्शन बहुत बुरा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल देखिए ये मतलब प्रदर्शन के दौरान जो है
आपको यानी आम आदमी पार्टी को भी और बीजेपी सरकार को भी जो है वो वार्निंग दी जा रही है कि या तो संभल जाइए इन कर्मचारियों की, आप सुन लीजिए, जो इनका शोषण है वो रोकिए और जो इनकी डिमांड है वो पूरी कीजिए, नहीं तो ये जो है सरकार जो है वो गिरा देंगे। और पिंकी सूद जी भी जो है महिला शक्ति पिंकी जी क्या कहेंगे? पिंकी जी कहेंगे। जय वाल्मीकि जी। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, दिल्ली में रहना मुहाल हो गया है। दिल्ली में सफाई कर्मचारी के कार्य पे रहना मुहाल हो गया है। दिल्ली में वाल्मीकि समाज में पैदा होना गुनाह हो गया है। अगर समाज में वाल्मीकि समाज में पैदा होना और सफाई के पैसे से जुड़ना गुनाह है, तो इस गुनाह को हम किस तरह से रिमूव करेंगे, किस तरह से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, किस तरह से हम अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, किस तरह से हम अपने सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बार बार 4.5 साल हो गए सड़कों पे उतरना, बार बार धरने प्रदर्शन करना, ये दोनों ही जो दिल्ली सरकार और भारत सरकार है, दोनों ही गूंगी बहरी निकम्मी सरकार, ये क्या चाहती है वाल्मीकि समाज से और सफाई कर्मचारियों से? जब एक काम हम इम्प्लीमेंट में शुरू कर देते हैं, रेगुलाइजेशन का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया, उसके ऑर्डर ना देके मजबूरन, देखिए मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि साउथ के 120 कर्मचारियों के पक्के के ऑर्डर, जो ये मेयर है जो अपने आप को वाल्मीकि समाज का हिस्सा मानती है, मैं इसको वाल्मीकि समाज का हिस्सा नहीं मानती। 15 दिन पहले से पूरी दिल्ली में होल्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं कि हमने 120 कर्मचारी पक्के कर दिए, तो होल्डिंग पोस्टर लग गए और पक्के कर दिए साउथ के 4 जोनों से। अगर जोन में तो कोई ऑर्डर नहीं है। हाँ, यही हमने पता किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनील अंजाना जी, आप सम्मानित हैं, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के किसी भी कोने में आप जाएं, जो ये साउथ की मेयर है सुनीता, ये कहती है समाज की बहन बेटी हूँ, ये समाज की बहन बेटी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा हमारे सफाई कर्मचारियों की विरोधी है, ये बीजेपी पार्टी की इतनी बड़ी नुमाइंदी है, अपनी स्टेटमेंट में ये कहती है कि जी मैंने ये ऑर्डर करके रखवा लिया अपनी टेबल पे, हम भीख नहीं मांग रहे, हम किसी मेयर से ऑर्डर नहीं लेंगे, हमारा जो प्रोसेस सालों से MCD का चलता आ रहा है, हम उसके ही अधीन रह के उसके ही तहत अपने ऑर्डर लेंगे, प्रशासनिक तरीके से काम हो, प्रशासनिक तरीके से और सिस्टम में रह के काम हो, जो सालों से होता आ रहा है। मैं उसी बात पे भी आ रही थी कि 15 दिन पहले आप प्रचार कर चुकी हैं कि मैंने 120 कर्मचारियों को साउथ में पक्का कर दिया, तो पक्का कर दिया तो किस किस को आपने ऑर्डर देके उनका मेडिकल करा दिया? अगर नहीं कराया तो आपने प्रचार क्यों किया? अगर प्रचार किया तो वो मेरे 120 कर्मचारी कहाँ हैं? और दूसरी बात, आपका उन ऑर्डर को अपनी अपनी बीवियों की सौगंध है, सभी सभी बहनों को अपने पतियों की सौगंध है, और जो मेरे जैसे हैं उनको भगवान वाल्मीकि जी की सौगंध है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक मेरा सफाई कर्मचारी पक्का नहीं होगा, जब तक हमें कैशलेस कार्ड नहीं मिलेगा, जब तक तीनों निगमों को एक नहीं किया जाएगा, अंबेडकर आवास योजना के तहत हमें मकान नहीं दिए जाएंगे, तब तक हम किसी भी कीमत पे, चाहे यहाँ लाठियां बरसें, चाहे यहाँ पे डंडे पड़े, चाहे ये कुछ भी करें, हमारा ये धरना ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये हमारा ये जो युद्ध का बिगुल है ये ऐसे ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये लोग जो है कसम खा चुके हैं, मगर देखिए छोटी सी बात ये भी है कि कर्मचारी जो है ये कहते थे कि कोई भी संगठन वो है एक नहीं होता, उन्हें जो है एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, मगर अब कर्मचारी पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या ये तमाम संगठनों की जो है भीड़ है? क्या हजारों लोग हैं इसमें? MCD में जो है लाखों लोग लगे हुए हैं, तो आप लोगों को अगर हक अधिकार चाहिए तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, एक अपसेंट तो खानी पड़ेगी, दो अपसेंट तो आपको खानी पड़ेगी, मगर ये देखिए ये महिलाएं भी तो किसी के घर से आती है, इन महिलाओं को भी तो बच्चे हैं, इन पुरुषों के भी तो बच्चे हैं, क्या ये अपना काम छोड़ कर नहीं आते? क्या इनको सिर्फ इनको पक्का होना? ये जबकि रिटायर हो चुके हैं, ये देखिए आपके बीच में जो है मतलब रिटायर भी हो चुके हैं और
आपके बीच में जो है समय दे रहे हैं, मगर आप लोगों को भी जो है ये सोचना चाहिए कि इनका साथ जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। मामला है केशवपुरम जोन में एक सफाई कर्मचारी ने अपनी बेटी का शादी का कार्ड लगाया, फाइल लगाई, 5 महीने हो गए इस बात को, मगर उसकी फाइल पे ऑब्जेक्शन लग गया। सत्यवान जी इस पर क्या कहेंगे? पैसा उसका, सब कुछ उसका, फिर पैसा क्यों नहीं दिया जाता उसे? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हमें झूठा आश्वासन देते हैं। उसकी बेटी की शादी है, वो कितनी दिक्कत से वो आदमी गुजरा होगा, कैसे उसने अपनी शादी की होगी? उसकी बेटी की शादी 13 तारीख के 13 नवंबर की, कितने दिन रह गए? और उसे कल रात बोलता है कि आपकी फाइल पे ऑब्जेक्शन लग चुका है, और मुझे तो लगता है कहीं पैसे खाने का कोई मतलब है ये। देखिए ऐसा भी हो सकता है जो हमारे LDC बैठे हुए हैं वो उनसे पैसे मांगने के लिए ही उसको बहका रहे होंगे। वो जो केशवपुरम की मैडम है, DC महोदय है सिंगला जी, उन्होंने एक वो निकाला हुआ था सर्कुलर कि भाई अपनी शादी का कार्ड लगाओ और तुरंत मैं पेमेंट कराऊंगी, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। हमने भी जाके वहां पे देखा है, वो सब कर्मचारियों को बकाया जा रहा है और उनकी फाइल सफर कर रही है। इस तरीके का कोई काम वहां पे नहीं हो रहा। आगे क्या करने जा रहे हैं आप? सर हम आगे ये इसलिए हम आए यहाँ पे सब लोग, ये तमाम है या पिक्चर है आज? सर ये तो पिक्चर तो अभी बाकी है सर, पिक्चर तो हम इनको दिखाएंगे अभी, और हमारे नेताजी वो बाकी बताएंगे। जी आप तो क्रांतिकारी हैं, और आपका पीछे आंदोलन जो हुआ था वो भी एक बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, मगर जो है आप लोगों को गुमराह कर दिया गया था और आपको सस्पेंड टर्मिनेट भी आप लोगों को किया गया था। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आस रखते हैं आप निगम से? सबसे पहले जय भीम जय वाल्मीकि। प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे हम कि इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी जी, इनके बीवी बच्चे नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आस रखते हैं आप निगम से? सबसे पहले जय भीम जय वाल्मीकि। प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे हम कि इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी जी, इनके बीवी बच्चे नहीं है। ये जितने भी बीजेपी में जितने टॉप के लीडर हैं सारे डांडे हैं, इनके लुगाई नहीं है, इनने परिवार का पता नहीं है कि परिवार का दर्द क्या होता है। अगर इनको परिवार का दर्द पता होता तो ये जितने बीजेपी के डांडे हैं ना इनने सब पकड़ आ जाती, क्योंकि इनके कुछ है ना रोड, ये मर भी गए तो कोई रोड वाला है ना चौथा इनके। लेकिन मैं एक संकेत देना चाहता हूँ, नहीं हम बहुत बोलो मैं बीजेपी मानता सुन ठीक है, ये लोग इन्होंने ठान लिया है कि इस प्रशासन में जितने भी वाल्मीकि समाज के हमारे तमाम नहीं है, हमारे बुद्धिजीवी भी हैं, उच्च अधिकारी भी हैं, लेकिन 90% 80% जो हमारा समाज इस महकमे से विलोम करता है उन लोगों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अभी कुछ नहीं है, दिवाली काली मनेगी और एक हजार भी दिखाई तो रोड के ऊपर खून बहता दिखाई देगा। हम नहीं डरते मरने मारने से, चाहे कुछ भी हो, देखी जाएगी जो होगा। डरना किस चीज़ है? डंडा तो परमाधिकार से भगवान बालू जी से, लेकिन इन लोगों कुत्ते बिल्लियों से क्यों डरे? हम नहीं डरेंगे किसी से भी, चाहे कोई भी हो। अगर मांगे नहीं मानी गई तो इनको प्रणाम, बहुत भारी भोजना पड़ेगा, भयानक। अच्छा, प्रणाम। अच्छा चेतन दास चावरिया जी, आपको नहीं लगता कि जो इंस्पेक्टर ASI ये जो एक जगह जमे हुए हैं 10 साल से 15 साल से जमे हुए हैं, ये इनकी नाकामी होती है कि रिकॉर्ड गायब कर देते हैं और उसका जिसकी हाजिरी लगानी होती है उसकी हाजिरी नहीं लगाते, जिसकी नहीं लगानी होती उसकी लगा देते हैं? क्या इनकी 3 साल के अंदर जो कानून के तहत जो बदली होनी चाहिए, इधर उधर होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पाते? ये बताता हूँ आपको, इसमें कोर्ट के भी आर्डर है ट्रांसफर करने चाहिए, लेकिन जो ये निगम पार्षद हैं, आज के जो निगम पार्षद हैं, इनकी हठधर्मी है, इनकी तानाशाही है, इनको जो मड़ाई देता है उसको रोकते हैं और जो मड़ाई नहीं देता उनको भगा देते हैं। और ऐसे कर्मचारी की हालत है, जब तक निगम पार्षद नहीं कहेगा कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होगा, कर्मचारी की सैलरी नहीं मिलेगी, कर्मचारी की हाजिरी नहीं लगेगी। निगम पार्षद का बहुत बड़ा तानाशाही है, और ये जब तक निगम में, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि निगम ही भंग कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। निगम जब तक भंग नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होगा, हमारे मजदूर का भला नहीं हो सकता। अभी एक बताता हूँ, आपके संगम लाना चाहता हूँ वार्ड दक्षिण दिल्ली में वेस्ट जोन में वार्ड 28 है, वहाँ पर कोई भी निगम पार्षद, एक निगम पार्षद महिला है अभय चौधरी, उसके इतना बड़ा आंतक है कि वहाँ पर 1,000 कर्मचारी को अपना रखा हुआ है, उसके लाखों रुपए महीना आती है। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिखता, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, और ना ही वहाँ DC अराउंड होता, वहाँ पर उसके अराउंड होता जो कुछ होता है। लेकिन जब तक ऐसे रहेगा दिल्ली के अंदर,
हमारे मजदूर खून के आंसू रोते रहेंगे जब तक ये प्रशासन की आखिरी, अभी कुछ भी नहीं है। आज को जो प्रोग्राम हमारा है निगम कोर कमेटी से, कोई भारी भरकम प्रोग्राम नहीं है, ट्रेलर है ये, ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेलर दिखाएंगे हम इनको। मैडम सफाई कर्मचारी 7000 कर्मचारी बाहर जो है आपके 5 नंबर गेट पर बैठा है और उनकी वही पुरानी डिमांड है कि उनको पक्का नहीं किया जा रहा, उनका बकाया एरियर और कैशलेस कार्ड और जो रिटायर हो गए उनका पैसा नहीं मिल रहा। क्या आपकी साउथ जोन साउथ दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है? साउथ दिल्ली में ऐसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साउथ जो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो सिर्फ फंड की वजह से हो रही है क्योंकि दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं दे पा रही है, इसलिए हम अपने सफाई सैनिकों का जो है उनका जो उनको हम सुविधा देना चाहते हैं, जो उनको हम खुशियां देना चाहते हैं, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे भाई बंधुओं को जो है MCD के खिलाफ ना जाकर के दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए कि हमारा फंड, हमारा खून पसीने की कमाई MCD को दें ताकि हम उनके लिए काम कर सकें। मगर बाहर तो दिल्ली सरकार को भी कोसा जा रहा है, उनको भी खरी खोटी सुनाई जा रही है केजरीवाल सरकार को और साथ में BJP सरकार को। वो दिल्ली सरकार तो इस लायक है, दिल्ली सरकार तो नलायक है, नकारा सरकार है। वो सिर्फ अपने वोट के बारे में ये सोच रही है कि मैं सबको मुफ्त दूंगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे भाई बंधु, हमारी दिल्ली की जनता कमाकर खाना पसंद करेगी, किसी के मुफ्त काम को नहीं पसंद करेगी। अब वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए कि महिलाओं को मैं मुफ्त मेट्रो दूंगा। मुझे लगता है कि आज की नारी अपने आप में बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट, स्वावलंबी है। वो नहीं चाहेगी कि हमें कोई जो है मुफ्त का कोई भी काम मिले जी। तो ये चाहती है। अब रही भारतीय जनता पार्टी भेजा है केजरीवाल जी को, उन्होंने मेरे को SC होने के नाते एक बार भी नहीं बुलाया, तो इसका मतलब यह है कि वो मेरे हाथ रोकना चाहते हैं ताकि मैं अपने भाई बंधुओं के लिए कोई काम ना कर सकूं। तभी तो उन्होंने आज तक भी फंड नहीं दिया, क्योंकि अगर वो फंड देते तो हमारा कोई भी काम नहीं रुकता। आप मतलब दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री से मिलकर जो है सफाई मजदूरों का काम कराना चाहते हैं? बिल्कुल, हम अपने फंड के बारे में बोलना चाहते थे। आपको मालूम है कि इससे पहले भी हमने जो दिल्ली सरकार के खिलाफ हम निगम पार्षदों ने एक प्रदर्शन किया था हेल्थ के लिए, जब भी उसमें भी आज भी पीक टाइम है, आज भी इतने केसेस आ रहे हैं डेंगू मलेरिया के, जो केसेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? काम हमारा सफाई सैनिक करता है, हमारे DBC कर्मचारी करते हैं, हमारे सारे वो बंधु करते हैं, MCD करती है। क्रेडिट खुद लेने की सोचते हैं ये, क्या क्रेडिट लेने से ही काम होगा? अच्छा, 98 के जो है वो अभी रह चुके हैं, लेफ्ट आउट में रह चुके हैं, 120 कर्मचारियों के आपने होल्डिंग लगाए हैं, किसने लगाए हैं, और वो ऑर्डर जो है वो अभी हाथ में नहीं है। आपने पिछले इंटरव्यू में बताया कि हम सम्मान के साथ जो है वो प्रशासनिक तरीके से ऑर्डर देना चाहेंगे इलेक्शन के बाद, मगर जो कर्मचारी है वो रुष्ट है आपसे कि आपने होल्डिंग लगा दी है मगर वो ऑर्डर जो है उनके हाथ में नहीं आया, इस पर क्या कहेंगे? मैं उनको देना चाहती हूँ, उनके सम्मान के साथ देना चाहती हूँ, लेकिन बस मेरा यही पर्पस था कि बस थोड़ा सा अभी वो डिले इसी वजह से ही हो रहा था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सही तरीके से दूं, मैं उनको मतलब इस तरीके से दूं उनको लगे कि आज हमारे जो ऑर्डर हमारे हाथ में आए हैं। सिर्फ मेरा इसी वजह से डिले हुआ था और मेरा कोई वो नहीं था। मैं खुद चाहती थी कि दिवाली से पहले ये काम करूं, लेकिन मैंने जो है ये 24 तारीख की इनकी डेट रखी थी और मेरी कल जो है भाइयों से बात भी हुई थी, यूनियन से मेरी कल बात भी हुई थी कि मेरा जो है ये 24 तारीख का जो मेरे 120 भाई बंधु हैं, पहले आप इनको मुझे जो है एक बार ऑर्डर की कॉपी देने दो, उसके बाद आप जो है अपना धरना प्रदर्शन बेशक से कर लो, क्योंकि मेरा तो प्रयास जारी है। मैंने तो अभी जो मेरे 92% ग्राउंड के लोग रह रहे हैं मेरा, तो मैं उस पर भी काम कर रही हूँ और यहाँ तक कि मैं तो अपनी महिला बहनों, जो मेरी महिलाएं हैं सफाई सैनिक मेरी महिलाएं, मैं तो उनके लिए भी काम कर रही हूँ। मैं तो उनके लिए अभी मैं आपको लेटर दिखा दूं कि मैंने आज सुबह ही जो मैं बात कर रही थी कि जो हमारी महिलाएं सुबह 6:30-7 आकर के रिपोर्टिंग देती है, वो 6:30-7 की जगह ना जा करके अपने बच्चों को तरीके से स्कूल में भेज करके उनका लंच बना करके 8 आकर के स्कूल में रिपोर्टिंग दे। अच्छा, इसकी बजाय आप ये नहीं कर सकते कि तीनों मेयर मिलके, तीनों कमिश्नर मिलके कि जो जहाँ दूर दूर से जो आते हैं उनके नज़दीक उनकी ड्यूटी करा दी जाए, उसे समय भी बचेगा और काम भी सुचारू रूप से होगा और जो आप करना चाह रहे हैं? देखो, इनके मुताबिक होता है काम, ऐसी बात नहीं है, हमारे जो है सफाई सैनिकों के मुताबिक काम होता है,
जहाँ पर उनको अपनी पोस्टिंग चाहिए होती है वो वहाँ पर मिलती भी है, ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक भी जो मेरे सामने बात आई है। लेकिन मैं खुद ही ये चाहती हूँ कि जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जरूर मिले, और ये हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी यही चाहता है कि हमारे लोगों को सारी सुविधाएं मिले। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो सिर्फ दिल्ली सरकार की वजह से। अच्छा, काफी साल से एक बात चल रही है कि शेल्टर होम बनवाने की, हाउस बनवाने की, शौचालय बनवाने की, चेंजिंग रूम बनवाने की, कि हमारी हमारी जो सफाई सैनिक महिलाएं हैं उनके पास ड्रेस चेंज करने के लिए नहीं है। तो अभी हम जो हमारा हाउस लगेगा उसमें हम निकालेंगे कि वार्ड में एक ना एक स्टाफ रूम होना चाहिए जहां पर उनको टॉयलेट की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, आराम करने की व्यवस्था हो। तो हम जो है हर वार्ड में एक ऐसा जो है स्टाफ रूम इनके लिए होना चाहिए। मगर उस पर जो कब्जे भी कर लिए जाते हैं जो, क्योंकि विभाग छोटे छोटे विभाग जो है वहां पर बैठ जाते हैं और इनको वहां पर घुसने भी नहीं दिया जाता सफाई कर्मचारी। काम होगा तो बड़े अच्छे तरीके से होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं घुसने दिया जाएगा, काम होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा, बहुत इनको भी लगेगा कि हमें रिस्पेक्ट मिल रही है। अच्छा, अब साउथ दिल्ली की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे कर्मचारियों को, आप आगे क्या कर रहे हैं? मैं तो अपने भाई बंधुओं को, और मैं आपको बता दूं सफाई कर्मचारी ना कह करके हमने इनको सफाई सैनिक नाम दिया है, तो आप कर्मचारी ना बोल करके सैनिक ही बोलें। मैंने अपने सफाई सैनिकों से मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर ये निवेदन ही करना चाहती हूँ कि आप ये हड़ताल बंद करें, और जो काम हम सुचारू रूप से कर रहे हैं, जो कार्यवाही हो रही है उसको सुचारू रूप से आप होने दें। जी मैम, देखिए सफाई कर्मचारी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक वो शोषण के शिकार है तब तक वो सफाई कर्मचारी ही रहेंगे। सफाई सैनिक जिस दिन बनेंगे, जब उनको ओहदा मिलेगा, जब उनको सम्मान मिलेगा, तब वो सफाई सैनिक जो है कहना शुरू कर देंगे, आप भी और हम भी। तो चलिए मैम, आपसे जानकर अच्छा लगा कि आपने जो है, मैं इसमें बताना चाहूंगी कि सफाई कर्मचारी जो आप कह रहे हो ऐसा है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना जी। जब हम शुरुआत करेंगे, जब हम कहना शुरू करेंगे, जब हम सम्मान देना शुरू करेंगे, जब तो नहीं, आपकी अच्छी बात है, आपकी अच्छी बात, सोचेंगे ही नहीं, कहेंगे ही नहीं, सम्मान देना शुरू ही नहीं करेंगे तो काम होगा कैसे। आपका ये प्रयास सराहनीय है, हम भी चाहते हैं कि भी इनको जो है दर्जा मिले और सम्मान मिले, मगर खाली पेट दर्जा भी जो है वो सम्मान भी जो है वो सहन नहीं हो पाता। अगर आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों की जो मेहनत है अगर वो रंग लाती है और हर घर में पक्की नौकरी होती है और इनको कैशलेस कार्ड इनको मिलता है तो जो है वो आपका गुणगान भी करेंगे और आप लोगों का सम्मान भी करेंगे। एक बात और बताना चाहती हूँ दिल्ली सरकार के बारे में कि दिल्ली सरकार जो है दलित विरोधी है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों के सफाई सैनिकों का सैनिकों की भावनाओं से खेल करके वोट लेना चाहती है ये। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैं दलित हूं, नेपाल में मेयर सम्मेलन होना था तीन दिन का, लेकिन इन्होंने जब मैंने इनके पास अपनी एप्लीकेशन भेजी तो इन्होंने वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया और खुद गए हैं। आखिरी मतलब कि आखिरी डेट तक भी इन्होंने मंजूरी नहीं दी। तो मैं तो साफ साफ कहती हूँ कि ये दलित विरोधी हैं। जब मैंने इनसे टाइम मांगा इन्होंने एक दिन भी मुझे समय नहीं दिया मिलने के लिए। और सत्येंद्र जैन जी के पास मैं खुद लेटर लेके बैठी थी, उस लेटर को उन सत्येंद्र जैन ने छुआ तक नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि दिल्ली सरकार मतलब क्यों नहीं छुआ? बीजेपी लेके गई है या सुनीता कांगड़ा लेके गई है इसलिए उस लेटर को नहीं छुआ गया? बीजेपी नहीं लेके गई, बीजेपी के तो पहले भी मेयर रहे हैं क्या? अरविंद केजरीवाल पहले मेयर से नहीं मिले, लेकिन अब सुनीता कांगड़ा वाल्मीकि समाज से दलित महिला लेकर गई थी इसलिए उन्होंने उस लेटर को नहीं छुआ। लेकिन केजरीवाल साहब कहते हैं सबसे ज्यादा सम्मान वही दे रहे हैं वाल्मीकि समाज। सर, बोलने से नहीं होता ना, करने से होता है। बोलने को तो हम कुछ भी बोल देंगे, करने से काम होते हैं, ये तो मैं खुद फील कर रही हूँ बैठ करके। चलिए अच्छा, जो बाहर जो अब धरना रखा गया है अब उस पर आप क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इस प्रदर्शन को आप रोकें, आपकी जो भी मांगे हैं उस पर हम पूरी तरीके से उस पर विचार कर रहे हैं, पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा साउथ एमसीडी की तरफ से तो आधे से ज्यादा इनकी जो मांगे हैं वो खत्म हो चुकी हैं, और जो थोड़ी बहुत रह गई है उस पर भी हम सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद मैम। धन्यवाद।
क्योंकि इनका विचारों का कसूर क्या है। सुबह उठते हैं, पूरी दिल्ली को साफ करते हैं ये लोग, और 17-18 सालों से इनको पक्का नहीं किया जा रहा। इनके फंड रोके गए हुए हैं, एरियल भत्ता अलाउंस सब कुछ पेंडिंग पड़ा है, आखिर क्यों हो रहा है? मगर वादा तो केजरीवाल साहब ने भी किया था सत्ता में आने से पहले कि मैं अगर सत्ता में आया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, तो सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को पक्का कराऊंगा। मगर वो अभी तक जो है वो वादा तो वादा ही है। हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात बोली थी, लेकिन जब केजरीवाल जी ने ये पूरे उसमें नगर निगम में पता किया कि भाई दिल्ली सरकार में कहाँ से क्या हो सकता है, तो नगर निगम के जितने भी समस्त काउंसलर है या बीजेपी की सरकार है, उन्होंने बार बार यही चेताया है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के पास बजट है। बजट का जो बीच में जो झगड़ा आया, तब केजरीवाल जी को ये लगा कि ये बिल्कुल गलत है, बजट पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम के हाथ में है। अगर मैं कोई भी बजट अगर दिल्ली के टैक्स के पैसे में से देता हूँ, तो ये क्रेडिट लेके जाएंगे दिल्ली नगर निगम के काउंसलर और बीजेपी सरकार। चौथा वित्त आयोग जो है, चौथा वित्त आयोग अभी तक नहीं दिया गया, जो कि बहुत पुराना है। अगर वो चौथा वित्त आयोग अगर मिल जाए तो जो MCD है वो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जितने सफाई कर्मचारी वो बकाया एरियर और नया एरियर जो पक्के होंगे वो उसके साथ पक्के हो पाएंगे। मगर दिल्ली सरकार इस पर क्या स्टेप उठाएगी और क्या उठा रही है बताइए आप। देखो चौथे वित्त आयोग जो आपने बोला, वित्त आयोग की भी अपनी एक सीमा है, 2016 से जो लगा है पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम के जो सरकार है बीजेपी की उनको देना चाहिए। ये इसके लिए बार बार हमारे नगर निगम में जितने भी विपक्ष के नेता बैठे हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई पवार जी जो नेता विपक्ष दिल्ली नगर निगम के हैं, अभी हम उनसे भी मिले हैं, उन्होंने भी धरने प्रदर्शन करके दिल्ली नगर निगम में बैठी हुई बीजेपी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी भाई है, MCD के एम्प्लॉय है, उनको सभी समस्त लाभांश उनको मिलने चाहिए।